थाली तो ऐसे फिसल रही है जैसे किसी ने इस पर तेल लगा दिया हो। लेकिन ये थाल तो खुद दादी लाई थी, फिर तेल किसने लगाया होगा? आंचल के लिए जोरदार ताली। आंचल, 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 आंचल। राउंड खत्म होने में बस एक मिनट रह गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूं, तो मैं जरूर लूं और मैं जीतने की भी पूरी कोशिश करूंगी पापा जी, लेकिन सिर्फ आपके लिए। मम्मी कहती हैं अगर किसी चीज में तेल की फिसलन आ जाए तो कपड़ा लगाने से वो चिकनाहट चली जाती है। मुझे साड़ी में अंगूठा फंसा के चलना होगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? बेटा, सर्वगुण संपन्न बहू की प्रतियोगिता हो रही है यहाँ पर, और अभी अभी आंचल एक राउंड जीती है। क्या? पर ये कंपटीशन हो क्यों रहा है? वो ये जानने के लिए बेटा कि तुम्हारे लिए और इस घर के लिए आदर्श पत्नी और बहू कौन है, आंचल या रुचिता। जब किस्मत और हालात ही गलत हो दादी, तो इंसान और रिश्ते सब गलत ही होते। ये कंपटीशन कोई भी जीते, लेकिन मेरी आदर्श पत्नी रुचिता है और वही रहेगी। लेकिन अब मैं चाहकर भी उसे दोबारा अपना नहीं बना सकता। इसका क्या मतलब निकाली मैंने हांशी? एक सर्वगुण संपन्न बहू वही कहलाती है जो एक अच्छी पत्नी हो। इसलिए दूसरे राउंड में तुम दोनों से निहार के बारे में कुछ सवाल पूछे जाएंगे और तुम्हें उनके सही उत्तर देने होंगे। रुचिता, तुम निहार की पहली पत्नी थी और आंचल तुम निहार की दूसरी पत्नी हो। इस नाते तुम दोनों को निहार के बारे में सब पता होना चाहिए। सासू मां, मैं ये राउंड कैसे जीतूंगी? आपको तो पता है कि हुकुम सा मुझे कुछ भी नहीं बताते, और हम दोनों के बीच अभी भी कितनी दूरियां हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, ये राउंड मैं जिताऊंगी तुम्हें। जाओ, आइए राउंड शुरू करते हैं। निहार के शरीर में एक मसा है, वो कहां पर है? ईमान
इसका जवाब मुझे कैसे पता होगा? मस्सा उनकी पीठ में नीचे की ओर, लेकिन ये सब सबके सामने कैसे बोलू? ये सासू माँ बंदर की तरह पीठ क्यों खुजला रही है? कि मुझे अगर जीतना है तो बोलना ही पड़ेगा। वो उनके पेट में नीचे की ओर, शाबाश मेरी बहू आंचल और निहार एक दूसरे के कितने करीब हैं, कितनी अच्छी तरह से जानते हैं एक दूसरे को। शाबाश, मेरी बहू आंचल को तो सब पता है। निहार सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है, अपनी माँ से या अपने पापा से? सासू माँ से, आखिर वो उनकी माँ है। निहार जी के लिए उनकी माँ उनका दिल है, तो उनके पापा जी उनकी जान, और कोई इंसान दिल और जान में किसी एक को कैसे चुन सकता है? बिल्कुल सही जवाब, निहार ने एक बार मुझसे भी यही कहा था। सवाल जवाब में तुम दोनों बराबरी पे हो, लेकिन एक पत्नी अपनी असली परीक्षा तभी पार करती है जब वो अपने पति की अन्नपूर्णा भी बन सके, अपने खाने से उसका दिल जीत सके। इसलिए आज तुम लोगों को निहार के लिए एक एक मीठा व्यंजन बनाना है। निहार उसमें से जिसकी भी मिठाई खाएगा वही इस राउंड का विजेता होगा। मैं उनके लिए बेसन का हलवा बना रही हूँ। निहार जी का तो फेवरेट है बेसन का हलवा, मैं क्या बनाऊँ? इसमें तो मुझे कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ हुकुम सा मेरा ही हलवा पसंद करेंगे। ये रुचिता कौन सी मिठाई बना रही है, समझ नहीं आ रहा है। ये कौन सी मिठाई बना रही है? ये जो भी मिठाई बनाए बनेगी वो सिर्फ राखी। ये आज धीमी क्यों नहीं हो रही है? दादी जी, लगता है ये गैस खराब है, इसकी आंच कम नहीं हो रही है। बहाने बनाना बंद करो रुचिता।
हाँ ना बेटा, चल निहार जल्दी से अब इनमें से एक मिठाई चुन ले। तो क्या फालतू सा कंपटीशन लगा रखा है आपने दादी, तो जिसका हिस्सा मुझे भी बनाना चाहती, मुझे नहीं चखना कुछ भी। निहार तू मेरा प्यारा चुटकू है ना, बस एक बार मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए। हाँ ओके फाइन। इन दोनों बाउल्स में मिठाई है, एक आंचल ने बनाई है और एक रुचिता ने। तुम्हें इन दोनों मिठाई में से कोई एक पसंद करनी है। दादी दूसरी डिश मुझे देखनी भी नहीं। अब जानती है ना बेसन का हलवा मेरा फेवरेट है। निहार एक बार दूसरी डिश भी देख लेना। ठीक है, लेकिन मेरा आंसर आप जानती। क्लाइंट खुद को समझता क्या है? जब से देख रहा हूं तब से गंदी गालियां दिए जा रहे। हम तो कर रहे हैं स्कीम। कौन सी मिठाई है ये? हमारे प्यार की मिठाई है। प्यार की मिठाई? हमारे प्यार की मिठाई जिसमें हमारे प्यार की खुशबू है, उसका रंग, उसकी मिठास है, उसका चटपटापन है, उसकी पवित्रता है, उसकी महक है, और ऐसी बहुत सारी अनोखी चीजें मिलाकर हमारे प्यार की तरह अनोखी मिठाई बनाई है मैंने। कैसी लगी आपको? बेस्ट। इससे अच्छी मिठाई तो मैंने आज तक नहीं खाई। लेकिन इसका नाम क्या है? मैं बताता, अगर ये हमारे प्यार की मिठाई है तो इसका नाम रुहार। रुचिता और निहार के प्यार की निशानी रुहार। कितना प्यारा नाम है रुहार। ने हमारे प्यार वाली मिठाई उठाई, क्या उनके दिल में आज भी मेरे लिए जगह है? खाटू श्याम जी, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? तो इस राउंड की विजेता है रुचिता। अब एक आखिरी राउंड और होगा जिसके बाद पता चलेगा कि मेरे इस कंगन का असली हकदार कौन है। कौन है वो सर्वगुण संपन्न? ये खिताब तो मेरी बहू ही जीतेगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। तो इस प्रतियोगिता का आखिरी राउंड होगा पेंटिंग राउंड। अब देखते हैं कि पेंटिंग किसकी बनानी है। घर के मुखिया की, जिसकी पेंटिंग सबसे सुंदर सबसे अच्छी होगी वही होगा इस प्रतियोगिता का विजेता। इस रुचिता ने इस मंदिर में इतनी अच्छी कलाकारी की है, कहीं ये राउंड ही रुचिता ही न जीत जाए। नहीं नहीं, ये राउंड तो आंचल बहू ही जीतेगी, वही इस घर की सर्वगुण संपन्न बहू बनेगी।
इसमें कम मिला देती हूँ ताकि रंग और ब्रश चिपक जाए। ये रुचिता के रंग कहाँ गए? ये रंग नीचे कैसे गिर गए? दोनों का समय शुरू होता है अब। जी लगता है इस रंग में कुछ प्रॉब्लम है। देखे ना ये झमसा गया और देखे ना ब्रश चल ही नहीं रहा है। अब बहाने मत बनाओ रुचिता, प्रतियोगिता तो अभी शुरू भी नहीं हुई, तुम्हारे नखरे पहले शुरू हो गए। आंचल भी तो कर रही है पेंटिंग, उसे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। रुचिता तुम्हें दूसरे रंग नहीं मिलेंगे, अगर तुम ये प्रतियोगिता छोड़ना चाहती हो तो छोड़ सकती हो। पापा जी रुचिता हार तो नहीं जाएगी ना? रुचिता अगर नजर घुमाओ तो रंग हमारे चारों तरफ है। देख लीजिए आप लोग, आप लोगों की चहेती ने तो पहले ही घुटने टेक दिए। मैदान छोड़कर भाग गई। अब केवल 20 मिनट रह गए हैं। रुचिता। पापा जी मैं थोड़ा आगे से देख के आती हूँ। अगर इस प्रतियोगिता में भी दोनों बहुएं बराबर में आ गई तो इस पासून से दोनों बहू से उम्मीद कटवाएंगे। हाँ ये सही है।
मेरी बहू ही जीतेगी, देख लीजिएगा आप लोग। रुचिता आंचल, रुचिता आंचल। 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, रुचिता आंचल, 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 रुचिता। रुचिता आंचल, चलो तुम दोनों अपनी अपनी तस्वीरें दिखाओ। ठीक है, अब रुचिता तुम दिखाओ तस्वीर। इस प्रतियोगिता की विजेता और सर्वगुण संपन्न बहू रुचिता आंचल, चलो तुम दोनों अपनी अपनी तस्वीरें दिखाओ। ठीक है, अब रुचिता तुम दिखाओ तस्वीर। इस प्रतियोगिता की विजेता और सर्वगुण संपन्न बहू